दर्शक बंधु ओडिशार तृतीय पर्याय निर्वाचन में छटी लोकसभा मतदान होता है। यार भितर हेवीवेट लड़ई सहित किसी हेवीवेट भोटर को लेकर भी आज दिन में चर्चा होता चले चली आसिले भोट दे दर्शक बंधु आम क्या कथा कहूँ आप जानते राज्य में तृतीय पर्याय निर्वाचन में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक घर चली चली आसी निजर मताधिकार सब्यस्त कर नवीन निवास चली चली जा एरोड्रोम यूपी स्कूल बूथ नंबर 114 मतदान करते भोट देवा निज काली लगा आंगुणी को देखा थे। गत किछि दिन हेबो मुख्यमंत्री स्वास्थ्यावस्था को नहीं अपप्रचार कर आसी विरोधी गतकाली विरोधी बीजेपी उपरे खूब बर्षि मुख्यमंत्री आज नवीन निवास चली चली जा भोट दे विरोधी अपप्रचार को कड़ा जवाब देते बीजेडी सुप्रीमो राज्यवासी विशेषकर समस्त युववर्ग को निजर गणतांत्रिक अधिकार सब्यस्त करने को अपील करते नवीन पटनायक मताधिकार सब्यस्त कर एथर बृहत विजय हो दंभोक्ति देखा बीजेडी सुप्रीमो राज्य में बलिष्ठ सरकार गठन हो फेर बेले लोक अभिवादन जनाइले नवीन पटनायक सेपटे भिन्न ढंग से आसी भोट देते बीजेडी निर्वाचन रणनीतिकार कार्तिक पांड्यान आम से ही दृश्यटी को रखिबा आम दर्शकों आगे निज बासभवन अटोरे आसी भुवनेश्वर यूनिट 6 सरकारी हाईस्कल 44 नंबर बूथ में पहुंची मताधिकार सब्यस्त करते कार्तिक पांड्यान साधारण लोकों भली लंबा धाड़ी में छिड़ा हो भोट देते निजे भोट देवा सहित बहु संख्यार आसी भोट देवा भोटर को अपील करते कार्तिक पांड्यान गणतंत्र महापर्व में सामिल होगाक समस्त महापर्व में सामिल हो मनपसंदर प्रार्थी बाछवाक से अपील करते पांड्यान पत्नी तथा आईएएस अधिकारी सुजाता कार्तिकेयन धाड़ी में छिड़ा हो मतदान प्रक्रिय निजक सामिल करते शुणु आज मुख्यमंत्री कौन कही कार्तिक पांड्यान मतदान पर कौन कही I expect the Biju Janata Dal to have a great victory both in the assembly and in the parliament elections. We will form a very stable government in the state again because of the people of the state's blessings. And the blessings of Lord Jagannath. ड्राइवर भाई माने मते अनुरोध करते मुझे मस दुई मस आगु मीट करी से समय से अनुरोध करते सो मत भी खुशी लगला आसवा स्टूडेंट टाइम तो आम सब आटो में जाऊ बैक मत भी बहुत खुशी लगला आसिक भोट देवा आज वीआईपी भोटर भी जोश देखा मिलता दर्शक बंधु तार दृश्य आपको देखेबी गणतंत्र महापर्व में सामिल होती प्रशासक तृतीय पर्याय निर्वाचन में विभिन्न बूथ में मतदान करते बहु प्रशासक झारखंड जामशेदपुर में सपरिवार सहित मताधिकार सब्यस्त करते राज्यपाल रघुवीर दास सकाळु सकाळु भुवनेश्वर यूनिट 6 सरकारी उच्च विद्यालय में पत्नी सहित भोट देते मुख्य शासन सचिव प्रदीप कुमार जेना भुवनेश्वर यूनिट 8 40 नंबर बूथ में भोट देते पुलिस डीजी अरुण षडंगी से ही पुलिस कमिश्नर संजीव पंडा निजर मताधिकार सब्यस्त करते मताधिकार सब्यस्त करते अतिरिक्त मुख्य सचिव सत्यव्रत साहू एसआरसी भली गुरुत्वपूर्ण पदपदवी थी भोट देवा भूली नाभ राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी निकुंज धल भोट देते परिवहन कमिश्नर अमिताभ ठाकुर समेत बहु प्रशासक निज निज बूथ को आसी मतदान करते भोट देवा सेल्फी पॉइंट में ब्यूरोक्रेट माने फोटो भी उठाई शुणु भोट देवा प्रशासक कौन कह गणतंत्र रे भोट निर्वाचन गोटे हूँ इम्पोर्टेंट कथा एवं देशर गणतंत्र को सुदृढ़ करने यहाँ गोटे अपॉर्चुनिटी अच्छे सब भोटर भाई भाई मानी तेणु से ही प्रक्रिया मुझे सामिल होती षठ देशर षठ पर्याय और आगामी जून 1 तारिख जो सप्तम पर्याय अच्छी दुईट पर्यायर जो भोटर भाई भाई मान भोटदान करिबार अछि समस्त अनुरोध करी स्वतंत्र भाव अनुरोध करी समस्ते बहु संख्यार आसतु निजर भोट बहुमूल्य भोट दान करूँ एवं ताद्वारा गणतंत्र को सुदृढ़ करने आम सब देशर नागरिक जो कर्तव्य अच्छे आम निर्वहन करा हूँ गणतंत्र महापर्व निर्वाचन एवं समस्ते आसतु अधिक संख्यार आसतु तर मताधिकार सब्यस्त करूँ यहाद्वारा गणतंत्र सुदृढ़ हे केवल गणतंत्र सुदृढ़ हेनी देश भी सुदृढ़ हे ये जनतंत्र जनता बड़ हूँ भोट जनता शक्ति हूँ निर्वाचन भोट ग्रहण केन्द्र में बहुत सुरखुरी शांतिपूर्ण भाव में मतदान चली
ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବୁଥ୍ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୁଲିସ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କରିଛୁ। ତା ବାଦ ଯେଉଁ ଏରିଆ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମୋବାଇଲ ପାର୍ଟି ରଖିଛୁ, ସେକ୍ଟର ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ସିଏପିଏଫ୍ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ। ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ ଏବଂ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆଉ କେତେ ଭୋଟର ନିଜକୁ ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଯଦିଓ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟିଂ କେତେ ହେଉଛି ତାହା ଆସନ୍ତାକାଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ।